एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 2, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। ये पार्ट 1 है। सो पहला पार्ट हमारे चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन का है, द एज ऑफ सोशल चेंज। मतलब समाज में जो चेंजेस आ रहे थे उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस पहले पार्ट के अंदर, पहली वीडियो के अंदर। सो इससे पहले का जो चैप्टर था हमारा हिस्ट्री का, चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसके अंदर हमने देखे पावरफुल आइडियाज ऑफ फ्रीडम और इक्वलिटी, है ना। और ये सारे जो आइडियाज फ्रेंच रेवोल्यूशन से आए थे फ्रीडम और इक्वलिटी के, धीरे धीरे ये सारे यूरोप के अंदर सर्कुलेट हो गए, यूरोप में फैल गए थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक पॉसिबिलिटी क्रिएट कर दी थी कि आगे आने वाली सोसाइटी के स्ट्रक्चर में एक ड्रामेटिक चेंज होगा, ठीक है। और चेंज हुआ भी, लोगों को अपने तरीके थोड़े बदलने तो पड़े। और हम देख रहे हैं समय के साथ सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। हमने पढ़ा था कि 18 सेंचुरी के पहले जो सोसाइटी थी उसको कैसे डिवाइड किया गया था, एस्टेट्स के अंदर डिवाइड किया गया था, है ना। वन स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट हुआ करती थी, जिसमें सिर्फ थर्ड स्टेट को ही टैक्स वगैरह देने होते थे और पहले की जो दो स्टेट थी वो एंजॉय करती थी बहुत सारे प्रिविलेजेस को। एंड ऑर्डर्स, इट वॉज द एरिस्टोक्रेसी एंड द चर्च विच कंट्रोल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल पावर। तो जो एरिस्टोक्रेसी होती थी, तो कुछ नोबल लोग होते थे, एलीट घराने के जो लोग होते थे पैसे वाले, और चर्च के लोग ही सोशल और इकोनॉमिक पावर को कंट्रोल करते थे। लेकिन सडनली अचानक से क्या होता है, रेवोल्यूशन के बाद कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, है ना। इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड रशिया, न्यू आइडियाज अबाउट इंडिविजुअल राइट्स एंड हु कंट्रोल सोशल पावर बिगेन टू बी डिस्कस्ड। जैसे ही रिवॉल्यूशन आई उसके बाद देश के, विदेश के और बोल सकते हैं दुनिया के कई हिस्सों में, यूरोप और एशिया में, एक इंसान के, इंडिविजुअल के अधिकारों के बारे में बात होने लगी। ये बात होने लगी कि कौन सोशल पावर को कंट्रोल करेगा, ये सारे डिस्कशन होने लगे। इंडिया की बात करी जाए तो राजा राम मोहन रॉय और डेरोजियो ने बहुत बातचीत करी इस सब के बारे में। क्या किस सब के बारे में? फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने हमें दो आइडियाज दिए थे, किस क्या क्या आइडियाज दिए थे, फ्रीडम एंड इक्वलिटी के, इस सब के बारे में हमारे इंडिया में भी बातचीत हुई, ठीक है। And many other debated the ideas of post-revolutionary Europe. The developments in colonies in turn reshaped these ideas of societal change. और धीरे धीरे क्या हो गया, कॉलोनीज किसको बोला जा रहा है, जहां पर ब्रिटिश जो उस टाइम पे था उसने इंडिया को भी, ब्रिटिश लोगों ने इंडिया को भी अपनी कॉलोनी बना रखा था, वैसे बहुत सारे दुनिया के देशों को कॉलोनी बना रखा था। तो वहां पर भी लोग धीरे धीरे जागरूक हुए और एक नए आइडिया उनकी सोसाइटी में आने लगे। हम देखो, यूरोप की जो सोसाइटी थी वहां पर हर इंसान नहीं जाता था कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए। यहाँ पर जो लोगों के मत थे अलग अलग हो गए थे। कुछ लोग चाहते थे कि जल्दी से ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, कुछ लोग चाहते थे कि नहीं आए, कुछ लोग चाहते थे धीरे धीरे आए। वही पढ़ लेते हैं। Responses varied from those who accepted that some changes were necessary but wished for a gradual shift to those who wanted to restructure social society radically. कुछ लोग क्या चाहते थे कि ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, बदलाव सोसाइटी के अंदर आना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ क्या चाहते थे कि बदलाव नहीं आना चाहिए। जो पुराने ख्यालात के लोग थे जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, एलीट और नोबल लोग जो थे पहले, अब कुछ लोग चाहते थे कि कुछ चेंजेस आने चाहिए बट धीरे धीरे आने चाहिए, ठीक है। कुछ लोग कैसे थे, कंजर्वेटिव्स थे, कुछ लोग लिबरल थे एंड हम बोल सकते हैं रेडिकल्स भी। व्हाट डिड दीस टर्म रियली मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम, टाइम के कॉन्टेक्स्ट में ये कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल्स का क्या मतलब है। व्हाट सेपरेटेड दीज स्ट्रेंथ्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड व्हाट लिंक्ड देम टुगेदर। We must remember that these terms do not mean the same thing in the all context or all time. देखो,
क्या ऐसी चीज है जो कंजर्वेटिव लिबरल्स और रेडिकल्स को जोड़ती है और क्या चीज इनको अलग कर रही है, क्या इनके डिफरेंसेस है, ये हम अभी देखेंगे। एंड समय के साथ साथ इनके जो मीनिंग है कंजर्वेटिव्स के वो बदल जाते हैं, लिबरल्स के मीनिंग चले जाते हैं। फ्रेंड सोसाइटी के टाइम पे जो एक व्यक्ति लिबरल होगा उसकी सोच कुछ अलग होगी आज प्रेजेंट डे फ्रेंच सोसाइटी के लिबरल से, ठीक है। तो ये जो मीनिंग्स होते हैं इन टर्म्स के वो टाइम के अनुसार चेंज हो जाते हैं। वी विल लुक ब्रीफली एट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस ऑफ 19th सेंचुरी एंड सी हाउ दे इन्फ्लुएंस चेंज। हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल जो ट्रेडिशंस थे 19th सेंचुरी के कितने इम्पॉर्टेंट थे वो, और उन इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि उससे क्या चेंजेस आए, क्या उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, एंड देन हम फोकस करेंगे हिस्टोरिकल इवेंट्स के ऊपर जिसकी वजह से एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमें सोसाइटी के अंदर देखने को मिलती है। एंड थ्रू द रिवॉल्यूशन इन रशिया सोशलिज्म बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल आइडियाज टू शेप सोसाइटी इन द 20th सेंचुरी। हम देखेंगे कि कैसे ये जो आइडिया आया था सोशलिज्म का रशिया के अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया बना किसी भी सोसाइटी को स्ट्रक्चर देने के लिए, शेप देने के लिए 20th सेंचुरी का। सो बात की थी हमने तीन टर्म्स के ऊपर, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। अब हम उसी के बारे में पढ़ेंगे 1.1 के अंदर। वन ऑफ द ग्रुप्स विच लुक टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स। लिबरल्स वॉन्टेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स। वी शुड रिमेंबर दैट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट्स यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड इन फेवर ऑफ वन रिलीजन और अनदर। ब्रिटेन फेवर्ड द चर्च ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर द कैथोलिक चर्च। लिबरल्स का असली मानना क्या था कि सारे धर्मों को हमें मानना चाहिए, ठीक है, वो सभी धर्मों को मानते थे या, लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि चर्च जो क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग हैं उनको, उनके अंदर भी डिफरेंस है। ब्रिटेन किसको मानता है, इंग्लैंड के चर्च को मान रहा है, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन किसको मान रहा है, कैथोलिक चर्च को मान रहा है। लिबरल्स और भी किसी चीज के ऑपोजिशन में थे, वो था कि जो डायनेस्टिक रूलर्स होते हैं इनको कुछ ज्यादा ही अनलिमिटेड पावर दे दी जाती है, तो जो गलत है। ये चाहते थे कि इंडिविजुअल्स को उनके अधिकार मिलने चाहिए, सरकार के खिलाफ जाके इंडिविजुअल्स के अधिकार के लिए ये खड़े होते थे। एंड उनको वो आर्ग्यू भी करते थे कि जो, और क्या आर्ग्यू कर रहे हैं, ये आर्ग्यू कर रहे हैं इनके हिसाब से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए और वेल ट्रेन्ड जुडिशरी होनी चाहिए ताकि अगर कोई भी गलती होती है रूलर से या ऑफिशियल से तो जुडिशरी उनको देख सके या जो भी पनिशमेंट है या जो भी निर्णय है वो ले सके। अभी क्या हो रहा था कि जो डायनेस्टिक रूलर्स हो रहे हैं ये अपनी मन मर्जी से अपनी जो भी ये चाहते हैं वो कर रहे हैं, जैसे हमने अभी देखा था इससे पहले चैप्टर में लुईस 14-16 जो ये रूलर्स थे, मतलब जो ये चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, सही गलत नहीं देखते। हाउएवर अगर देखा जाए तो ये लिबरल्स डेमोक्रेट्स नहीं थे, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में बिलीव नहीं करते थे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी आप समझते हो, जहां पर हर नागरिक को वोट देने का अधिकार होता है, तो उस टाइम के जो लिबरल्स हुआ करते थे, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि लिबरल्स हो, कंजर्वेटिव्स हो या रेडिकल्स हो, इनकी जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो समय के साथ बदलती जा रही है। उस जमाने के जो फ्रेंच सोसाइटी के लिबरल्स थे वो लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में बिलीव नहीं करते थे, वो नहीं चाहते थे कि औरत भी वोट दें, औरतों के वोट देने के फेवर में वो नहीं थे। लेकिन अगर आप आज की फ्रेंच सोसाइटी को देखो, यूएसए की देखो या इंडिया की देखो, तो यहाँ के लिबरल्स या हमारे यहाँ पर वोटिंग राइट्स दिए गए हैं और चाहते भी हैं लिबरल्स, ठीक है। तो ये लोग नहीं चाहते थे कि जो वुमेन है वो वोट दे। अगर इसी के कॉन्ट्रास्ट में देखा जाए तो जो रेडिकल्स लोग थे वो क्या चाहते थे, ऐसी सरकार चाहते थे जो बेस्ड हो मेजोरिटी ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन के ऊपर। एंड यहाँ पर ज्यादातर लोग सपोर्ट करते थे वुमेन्स के सफ्रगेट मूवमेंट को। अभी बताऊंगी मैं सफ्रगेट मूवमेंट क्या है, आपकी बुक में ही लिखा है नीचे साइड से।
और लिबरल्स से अलग हटके ये अपोज करते थे उन प्रिविलेजेस को जो जो जमींदार लोगों को और जो पैसे वाले फैक्ट्री ओनर्स हैं उनको दिए जाते थे. एंड दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक द कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू. ये लोग क्या कहते थे, ये जो रेडिकल्स लोग थे ये कहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए लेकिन कुछ लोगों के ही हाथ में प्राइवेट प्रॉपर्टी का होना ठीक नहीं. अगर बात करी जाए इन लोगों की, किसकी, लिबरल्स की, तो ये वुमेन को वोट देने के फेवर में नहीं, लेकिन रेडिकल्स लोग वुमेन को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर. अभी हमने देखा लिबरल्स लोगों को और रेडिकल्स को, दोनों ही अलग अलग थे. अब तीसरा भी है कंजर्वेटिव्स, ये भी लिबरल से भी अलग है और रेडिकल से भी अलग है. इनके जो विचार हैं वो दोनों से मेल नहीं खाते हैं. फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने अपना दिमाग खोला एंड उन्होंने भी सोचा कि यहाँ पर क्या है, जरूरत है चेंज की. अगर हम बात करें 18th century की, पहले की बात करें, तो जो कंजर्वेटिव्स थे वो अपोज करते थे आइडिया ऑफ चेंज को, मतलब चेंज नहीं लाना चाहते थे. लेकिन अब उनका भी दिमाग खुल गया, वो चाहते हैं कि अब हमें चेंज की जरूरत है. ठीक है, बाय द 19th century दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंजेस वर इनएविटेबल बट बिलीव्ड दैट द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड एंड चेंज हैड टू बी ब्रॉट अबाउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस. कंजर्वेटिव्स चलो मानने तो लग गए थे कि चेंजेस तो लाने ही पड़ेंगे, ये इनएविटेबल है, हम अवॉइड नहीं कर सकते चेंजेस को, लेकिन हमें पास्ट की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और चेंजेस को धीरे धीरे लाना पड़ेगा. ये नहीं कि आप एकदम से रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज कर दो, जीने के तौर तरीके बदल दो एकदम से, नहीं, स्लोली स्लोली ही हमें ये सब चीजें करनी है. सो सच डिफरिंग आइडियाज अबाउट सोसाइटल चेंज क्लैश ड्यूरिंग द सोसाइटी एंड पॉलिटिकल टर्मोइल दैट फॉलोड द फ्रेंच रेवोल्यूशन. अब इन सब के जो अलग अलग विचारधाराएं हैं, कंजर्वेटिव्स का कुछ कहना है, लिबरल्स का कुछ कहना है, लिबरल्स जहां अमीर लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं वहां पर रेडिकल्स बिल्कुल नहीं करते हैं, रिबल्स एंड रेडिकल्स जहां पर चाहते हैं कि चेंजेस आने चाहिए, जल्दी चेंजेस आ जाने चाहिए, वहां कंजर्वेटिव सोचते हैं कि चेंजेस स्लोली आने चाहिए और कुछ ही चेंजेस आने चाहिए. तो इन सब बातों की वजह से काफी ज्यादा यहाँ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं. अब देखिए एक नया शब्द आया है आपके लिए, सर्फर ग्रेट मूवमेंट. पहले भी मैंने इसका जिक्र किया था और बताया था आपको, बताऊंगी. तो ये है अ मूवमेंट टू गिव वुमेन द राइट टू वोट. मतलब अभी हमने देखा था कि लिबरल्स जो हैं इस टाइम पीरियड के नहीं चाहते कि औरतों को भी वोटिंग राइट हो. यहाँ पर हमने देखा कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं है, लेकिन सफ्रेगेट मूवमेंट चलाया गया जहां पर बोला गया कि औरतों को भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए. अब हम देखेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंज कैसे आ रहे हैं. तो ये जो हमें अलग अलग लोग दिख रहे हैं अलग अलग मतों के, ये डिफरेंट पॉलिटिकल ट्रेंड्स ही इस बात का साइन था कि अब नया समय आने वाला है और हमें सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस सोसाइटी के अंदर देखने वाले हैं. यहाँ पर हम देखते हैं कि नई सिटीज सामने आ रही हैं एंड इंडस्ट्रियल जो रीजन्स थे वो डेवलप्ड हो रहे हैं, रेलवेज एक्सपेंड कर रही हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रही है. अब देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगी तो इंडस्ट्रीज लगेंगी, इंडस्ट्रीज लगेगी तो लेबर चाहिए होगी, लेबर कौन होगी, आदमी औरत और बच्चे ये जाएंगे फैक्ट्रीज में काम करेंगे. अब लंबे लंबे समय ये काम कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर पैसे तो मिल नहीं रहे हैं, तो गरीब हैं ये लोग. और कुछ लोग ऐसे थे जिनको इतना भी नहीं मिल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट है. तो अनएम्प्लॉयमेंट का एक कॉमन जो चीज थी वो उस टाइम पे ये भी थी कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल गुड्स की लो डिमांड थी. अब लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो वो इंडस्ट्रियल गुड खरीदेंगे कैसे, और जब लोग इंडस्ट्रियल गुड्स को नहीं खरीदेंगे तो फिर कम बनेंगी, बनेंगी भी तो मैन्युफैक्चरिंग भी तो कम होगी, और जब मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है तो कम लोगों की जरूरत है, और कम लोगों की जरूरत है तो कम लोगों को ही जॉब या नौकरी मिलेगी. अब एक प्रॉब्लम ये भी था कि गांव और टाउन इतनी जल्दी से आगे बढ़ रहे थे कि यहाँ पर घर नहीं थे लोगों के पास, और साफ सफाई सैनिटेशन की भी बहुत सारी समस्या आ रही थी. अब इन सब का जो सॉल्यूशन है वो लिबरल्स और रेडिकल्स लोग ढूंढ रहे थे. अब आप ये पिक्चर देख रहे होंगे कि दो प्रकार के लोग हमें दिख रहे हैं.
एक साइड में हमें ऐसे लोग दिख रहे हैं जो जिनके हाथ में शराब है, ये लोग पी रहे हैं, थोड़े अमीर किस्म के लोग हैं, और यहाँ पर ये कुछ लोग हैं जो कि नीचे बैठे हुए हैं, ये पुअर पीपल हैं। ठीक है, तो पेंटिंग आपको लोगों की कंडीशन दिखा रही है, कोई तो एंजॉय कर रहा है, अपना पैसे खर्च कर रहा है महंगी शराबों में, और कोई नीचे बैठा है, उसके पास बैठने के लिए चेयर भी नहीं, ना उसके पास इतना सम्मान। सो ऑलमोस्ट जितनी भी इंडस्ट्रीज थे वहां पर जो प्रॉपर्टी थी उस इंडस्ट्री की, वो किसी ना किसी इंडिविजुअल की थी, और ये इंडिविजुअल लिबरल्स और रेडिकल्स थे, क्योंकि ये खुद ही या तो प्रॉपर्टी ओनर्स थे, और कुछ लिबरल्स और रेडिकल्स वहां पर काम भी करते थे। तो ये जानते थे कि जो इंडस्ट्रियल वेंचर्स हैं या ट्रेड है, इससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने बहुत ज्यादा एंकरेज किया ट्रेड और इंडस्ट्रीज को, और ये भी बोला कि अगर हम अपनी वर्क फोर्स को एजुकेटेड करेंगे और हेल्दी बनाएंगे, यानी अपने सिटीजन्स को हेल्दी बनाएंगे और एजुकेटेड बनाएंगे, तो हम और भी ज्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं। इन्होंने अपोज किया उन प्रिविलेजेस को जो ओल्ड एरिस्टोक्रेसी के लोगों को दिए जाते थे जन्म से ही, और बोला कि ये लोग को जन्म से ही दिए जाते हैं, तो ये कोई भी मेहनत तो करते नहीं है। अगर बाप किसी अच्छी पोस्ट पे है तो बेटा को खुद ही वो पोस्ट मिल जाएगी, तो मेहनत नहीं करना चाहते। तो इन्होंने इस चीज को अपोजिशन किया और बोला कि हर इंडिविजुअल को अपना एफर्ट डालना है, और फिर उस लेबर और एंटरप्राइज खड़ा करना है अपनी मेहनत के दम पे हर एक इंसान को। एंड इफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स वर एंश्योर्ड, इफ द पुअर कुड लेबर एंड दोज विद कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रेस्टिंग, दे बिलीव दैट सोसाइटी वुड डेवलप। उन्होंने बोला अगर पुअर लेबर कर सकते हैं और जिनके पास कैपिटल है वो अपने कैपिटल को लगा के इंडस्ट्रीज खड़ा करें, तो हमारी सोसाइटी जरूर डेवलप करेगी, डेवलप कर सकती है। एंड बहुत सारे जो वर्किंग मैन एंड वुमेन थे, वो चाहते थे कि कुछ चेंजेस आए, तो उनको लिबरल्स और रेडिकल्स लोगों का साथ देना पड़ेगा। ठीक है, कुछ नेशनलिस्ट लोग भी थे, है ना, लिबरल्स एंड रेडिकल्स, ये लोग क्या चाहते थे कि रेवोल्यूशन आए एंड हम इस प्रकार की सरकार लेके आए जो स्टेब्लिश हुई थी यूरोप में 1815 में। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रशिया के अंदर ये रेवोल्यूशनरीज बन चुके थे, क्रांतिकारी लोग आ चुके थे, एंड ये वर्क कर रहे थे उन पहले से जो बने आ रहे राजा है ना उनको उखाड़ के फेंकने की, क्योंकि ये लोग क्या थे, अपनी सनक के ऊपर काम करते थे, सिर्फ अनलिमिटेड इनके पास पावर होती थी, सुप्रीम पावर इन्हीं के हाथ में होती थी, राजाओं के हाथ में। तो रेवोल्यूशनरी लोग ये भी नहीं चाहते थे, एंड नेशनलिस्ट लोग ना रेवोल्यूशन के बारे में बात करते थे और बोलते थे कि हम एक नेशन क्रिएट करेंगे जहां पर सारे ही सिटीजन इक्वल राइट्स मिलेंगे। एंड आफ्टर 1815 गुसेपी मजीनी, ये जो एक इटालियन नेशनलिस्ट हैं, इन्होंने कॉन्स्पायर किया और लोगों के साथ टू अचीव दिस इन इटली, लोगों के साथ कॉन्स्पायर करके उन्होंने इटली में ये सब चीजें अचीव करी। एंड नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रीड दिस राइटिंग, जब 1815 में गुसेपी मजीनी ने ये सब चीजें कॉन्स्पायर करके अचीव कर ली इटली में, तो ये सारी बातें इंडिया में भी लोगों को पता पड़ी राइटिंग्स के थ्रू, और उनको भी कहीं ना कहीं फिर आया होगा ना कि हम भी दब रहे हैं यहाँ पर ब्रिटिश लोगों से, तो हमें भी करना चाहिए ऐसा कुछ। सो अब हम देख रहे हैं कि कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, सोशलिज्म अब यूरोप की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब तक बहुत तरह तरह के लोगों के बातचीत से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से, और जितने भी लोग आए लिबरल्स रेडिकल्स, इन सब के विजन से एक चीज निकल के आई कि भाई सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, कैसे उसका स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। तो अभी तक ये निकल के आया कि भाई सोशलिज्म पे काम करना चाहिए और सोशलिस्ट सोसाइटी बननी चाहिए। अब मिड 19th सेंचुरी की बात आ रही है जहां यूरोप के अंदर सोशलिज्म लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, और ये जो आइडिया था वाइड स्प्रेड अटेंशन ले रहा है। सोशलिस्ट जो लोग थे, जो सोशलिज्म को प्रमोट करते थे, वो अगेंस्ट थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के। प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि किसी एक आदमी का अधिकार हो किसी जमीन पे या किसी प्रॉपर्टी पे, क्योंकि उन लोगों का मानना था, वो अगेंस्ट क्यों थे, उनका मानना था कि भाई अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तो ये रूट है सारी सोशल प्रॉब्लम्स का उस जमाने की। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी इंडिविजुअल किसी प्रॉपर्टी को मतलब रखता है अपने पास, या उसकी प्रॉपर्टी होती है, तो वो सिर्फ अपने ही हिसाब से काम करेगा, वो अपने फायदे के लिए काम करेगा, दूसरों के लिए वेलफेयर काम नहीं करेगा। ठीक है ना, जिसमें उसका फायदा होगा वही काम करेगा। सो इफ सोसाइटी हैज
a whole rather than single individual control property, more attention would be paid to collective social interest. अगर किसी एक इंसान की प्रॉपर्टी है तो इंटरेस्ट एक इंसान का है, लेकिन अगर हम उस प्रॉपर्टी को सबको दे देंगे, सोशल मतलब सोसाइटी को दे देंगे, तो वो फिर कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट के तौर पे वो प्रॉपर्टी काम करेगी. सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट. ये चेंज जो सोशलिस्ट चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए इन्होंने कैंपेन भी किया. सो क्वेश्चन आता है, हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट? ऐसी सोसाइटी जहां पर प्रॉपर्टी नहीं है वो कैसे ऑपरेट होगी, एंड व्हाट वुड द बेसिस ऑफ द सोशल सोसाइटी? सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन फॉर द फ्यूचर. सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स. बहुत सारे सोशलिस्ट जो होते हैं वो कोऑपरेटिव्स पे बिलीव करते हैं. आपने इंडिया में भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में सुना होगा, नाम से समझ में आ रहा है कोऑपरेटिव. सब अपने एक दूसरे को कोऑपरेशन करते हैं. समझ लीजिए, एक बहुत सारे लोग हैं किसी काम को कर रहे हैं, तो वो आपस में सहमति अपनी सहमति से ना एक दूसरे में काम को बांट लेते हैं, जिससे प्रॉब्लम नहीं आती, कोऑपरेट करते हैं, इसलिए इसको कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहते हैं. रॉबर्ट उइम 1771 से 1858 तक रहे, लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर्स थे. ये क्या चाहते थे, एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई इन्होंने, एंड उसका नाम था न्यू हार्मनी इन इंडिया. देखो अभी तक क्या हो रहा था कि सोशलिस्ट लोग क्या बोल रहे थे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को एनकरेज करिए, और यही लोग खुद ही कर रहे थे. लेकिन बाद में कुछ लोग आए सोशलिस्ट लोग, और उन्होंने बोला कि सरकार को एनकरेज करना चाहिए कोऑपरेटिव्स को. अगर फ्रांस की बात करें फॉर एग्जांपल, लुईस ब्लैंक, इन्होंने क्या बोला गवर्नमेंट को कि आप एनकरेज करिए कोऑपरेटिव्स को, एंड रिप्लेस कर दीजिए जो अभी तक आपके कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस होते थे, उनको आप कोऑपरेटिव एंटरप्राइज बना दीजिए. क्योंकि ये जो कोऑपरेटिव्स होती हैं, ये एक संगठन होता है, एसोसिएशन होता है लोगों का, जो प्रोडक्शन का काम करते हैं, गुड्स का साथ मिलके करते हैं और प्रॉफिट्स को डिवाइड करते हैं, और ये हर मेंबर को साथ में लेके चलते हैं, सबकी सहमति से काम करते हैं. तो ये चीज ज्यादा अच्छी है, इसलिए आप कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज सिस्टम हटा दीजिए और कोऑपरेटिव काम कर दीजिए स्टार्ट, ये लुईस ब्लैंक ने कहा. अब यहाँ पर एक और व्यक्ति आ जाएंगे जिनका नाम आपने शायद सुन ही लिया होगा, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले काफी फेमस है, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स. इन्होंने कुछ और ही आइडियाज दिए, वो क्या, वो ये कि मार्क्स ने बोला कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो कैपिटलिस्ट होती है. कैपिटलिस्ट लोगों के पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है जो कि वो फैक्ट्रीज में करते हैं, और क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसलिए जो प्रॉफिट भी होता है वो सब कैपिटलिस्ट लोगों के पास जाता है. लेकिन ये प्रॉफिट आ कहाँ से रहा है, ये प्रॉफिट आता है मजदूरों के द्वारा, वर्कर्स के द्वारा, क्योंकि फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं, भले इन्वेस्टमेंट किसी कैपिटलिस्ट का हो या किसी भी अमीर व्यक्ति का हो, तो काम तो वर्कर ही कर रहे हैं, तो जो ये प्रॉफिट कमा रहे हैं वो वर्कर्स की वजह से कमा रहे हैं, ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना था. एंड ये सब होते हुए भी कंडीशन जो होती थी वर्कर्स की वो इम्प्रूव नहीं हो रही थी, हमने देखा है, और जो प्रॉफिट था वो भी कैपिटलिस्ट के पास जाता था, ना कि वो वर्कर्स को मिल पाता था. वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्व फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेशन, वर्कर हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वॉज सोशली कंट्रोल्ड. मार्क्स का कहना था कि वर्कर्स को इस कैपिटलिज्म की प्रॉब्लम को उखाड़ के फेंक देना है, और ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन करने का जो ये रूल है कि किसी भी इंडिविजुअल का अधिकार रहता है प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर, इसको भी हटा देना है, और अपने आप को शोषण से बचाने के लिए, शोषण कौन कर रहा है, अमीर कैपिटलिस्ट लोग कर रहे हैं, इनसे बचने के लिए वर्कर्स को एक ऐसी सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा जहां पर किसी भी कैपिटलिस्ट की जरूरत ना पड़े और ना ही कोई कैपिटलिस्ट का इन्वॉल्वमेंट हो, जहां पर सभी लोग बराबर हों. और ऐसी सोसाइटी को नाम दिया गया कम्युनिस्ट सोसाइटी, ठीक है. एंड ही वॉज कन्विंस्ड दैट वर्कर्स वुड ट्रायम्फ इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद द कैपिटलिस्ट. अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर.
कार्ल मार्क्स का कहना था कि फ्यूचर के लिए नेशनल सोसाइटी होगी कम्युनिस्ट सोसाइटी, और अपनी इस लड़ाई में कैपिटलिस्ट के साथ जो वर्कर्स हैं वो जीत जाएंगे। कम्युनिस्ट सोसाइटी में वर्कर्स और सभी को एक समान देखा जाता है। सोशलिस्ट सोसाइटी, जहाँ सोशलिज्म की बात कर रहे हैं, वहां पर भी सारी चीजें सरकार के ही हाथ में रहती हैं, है ना, सॉरी समाज के ही हाथ में रहती हैं, सरकार के हाथ में, लेकिन फिर भी वहां पर इतना ज्यादा नहीं होते हैं रेडिकली जितना कम्युनिस्ट सोसाइटी के अंदर लोग होते हैं। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, 1870s तक आते आते जो सोशलिस्ट आइडियाज था वो पूरे यूरोप में फैलने लग गया, और जो सोशलिस्ट लोग थे उन्होंने अपने इस आइडिया को एक इंटरनेशनल बॉडी का रूप देते हुए नाम रख दिया था इसका, क्या, सेकेंड इंटरनेशनल। वर्कर्स जो इंग्लैंड और जर्मनी के थे उन्होंने अपने संगठन बनाने स्टार्ट कर दिए, और ये संगठन क्यों बना रहे थे वर्कर्स लेबर्स, ताकि वो अपने हक के लिए लड़ सकें, अपनी बेटर लिविंग और वर्किंग कंडीशंस के लिए लड़ सकें। तो इन्होंने क्या करा, फंड सेटअप कर दिए। फंड्स का मतलब कुछ ऐसी जमा राशि करने लग गए ये, जहां पर अगर इनके किसी भी मेंबर को कोई प्रॉब्लम हो या डिस्ट्रेस का टाइम हो तो वो उस फंड से उनकी अपने मेंबर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। और ये क्या डिमांड कर रहे थे कि जो आप घंटों घंटों हमसे काम कराते हो, हमें वोट करने का अधिकार नहीं है, तो हमें वोट करने का अधिकार दो और हमारे वर्किंग आवर्स को भी थोड़ा कम करो। जर्मनी के अंदर भी जो एसोसिएशंस थे वर्कर्स के, वो काम कर रहे थे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD के साथ, और ये पार्टी ने क्या करा, एक जीत हासिल करी, क्योंकि पार्लियामेंट्री सीट्स इसने जीत ली थी कुछ। 1905 की बात करें तो सोशलिस्ट और जो ट्रेड यूनियनिस्ट होते थे उन्होंने लेबर पार्टी बनाई थी ब्रिटेन में, और एक सोशलिस्ट पार्टी बनी थी फ्रांस में। लेकिन अगर बात करी जाए टिल 1914 सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप। 1914 तक अगर बात करी जाए, जो सोशलिस्ट लोग थे इनका आइडिया तो काफी ज्यादा फैला, लेकिन ये एकदम सक्सेसफुल नहीं हो पाए क्योंकि सरकार नहीं बना पाए। और फिर आप जानते हैं 1914 में क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका, जो कि 1914 से लेके 1918 तक चलने वाला था। Represented by strong figures in parliamentary politics, their ideas did shape legislation, but government continued to be run by conservatives, liberals and radicals. तो क्योंकि पार्लियामेंट्री सीट्स तो जीत चुके थे ये एसपीडी के साथ, है ना, तो इनके आइडियाज तो सोशलिस्ट लेजिस्लेशन में आ रहे थे, लेकिन फिर भी जो सरकार थी वो कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल्स के द्वारा चलाई जा रही थी। देखिए यहाँ पर एक पेंटिंग दिखाई जा रही है, ये पेरिस कम्यून के कम्यून नाम की जो चीज घटना हुआ इवेंट उसकी पेंटिंग है 1871 में, एंड ये पोर्ट्रे कर रहे हैं उस सीन को जब एक पॉपुलर अपराइजिंग हुई थी पेरिस में, मार्च और मई के बीच में हुई थी ये 1871 में, एंड दिस वॉज अ पीरियड वेन द टाउन काउंसिल, जिसको हम कम्यून बोल रहे हैं, ऑफ पेरिस वॉज टेकन ओवर बाय पीपल्स गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ वर्कर्स, ऑर्डिनरी पीपल, प्रोफेशनल्स, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक अपराइजिंग हो रही है, एंड दिस अपराइजिंग अमर्ज अगेंस्ट अ बैकग्राउंड ऑफ ग्रोइंग डिसकंटेंट अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ फ्रेंच स्टेट। फ्रेंच स्टेट में जो बनाई गई उल्टी सीधी जो भी पॉलिसीज थी उससे परेशान होकर लोग सड़कों पे आ गए, और इस प्रकार की अपराइजिंग पेरिस में देखने को मिलती है, एंड द पेरिस कम्यून वॉज अल्टीमेटली क्रश्ड बाय द गवर्नमेंट ट्रूप्स, बट इट वॉज सेलिब्रेटेड बाय सोशलिस्ट द वर्ल्ड ओवर एज प्रीलूड टू अ सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। वैसे तो इस अपराइजिंग को कुचल दिया गया था सरकार के द्वारा, लेकिन फिर भी सोशलिस्ट लोगों ने उसको सेलिब्रेट किया। द पेरिस कम्यून इज ऑल्सो पॉपुलरली रिमेम्बर्ड फॉर टू इम्पॉर्टेंट लीगेसीज, वन फॉर इट्स एसोसिएशन विद द वर्कर्स रेड फ्लैग, दैट वॉज द फ्लैग अडॉप्टेड बाय कम्यूनर्स और रेवोल्यूशनरीज इन पेरिस। तो पहली चीज देखो, जो पेरिस कम्यून के लोग हैं, भले इनको इनकी अपराइजिंग को दबा दिया गया, लेकिन फिर भी ये लोग थोड़े से यादगार बनाए इन्होंने अपने इस इवेंट को, और यादगार बनाए दो चीजों के लिए, एक कि इनका संगठन बना था वर्कर्स के साथ, इन लोगों ने अपना रेड फ्लैग निकाला था, रेड फ्लैग कम्युनर्स के द्वारा अडॉप्ट किया गया था, एंड सेकेंड चीज ये थी कि फॉर द मर्सिलेस ओरिजिनली रिटन एज अ वार सॉन्ग
in 1792, it became a symbol for the community and of the struggle for liberty. तो लिबर्टी के लिए जो लिबर्टी की जो स्ट्रगल चल रही थी उसका सिंबल बना दिया गया. एंड ये जो मर्सिलेस का गाना था 1792 में, हमने से पहले के चैप्टर में भी पढ़ा है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था मर्सिले के द्वारा. तो इस प्रकार की चीजें हुई. देखिए, हम किसी भी संगठन को, सोसाइटी को, लोगों को एक लिमिट तक ही दबा सकते हैं, उनका शोषण कर सकते हैं. कभी ना कभी वहां से आवाज उठती ही है. आप एक साल, दो साल, पांच, दस, सौ साल, लेकिन अगर आप सोचो कि हमेशा लाइफ टाइम तक ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी को दबा के रखो. रिवॉल्ट्स होने स्टार्ट हो जाएंगे, अपराइजिंग्स होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा इंसान हर सोसाइटी में पैदा होता है जो लोगों को जागरूक करता है कि हमें दबना नहीं है, आगे हमें लड़ना है अपने अधिकारों के लिए और आगे बढ़ना है. सो अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा इस वीडियो का, वो है द रशियन रेवोल्यूशन, जो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में ही करवाऊंगी इस वीडियो की, क्योंकि काफी लंबा हो गया है वीडियो और ये एक अलग से ही टॉपिक है, तो अलग से वीडियो में आएगा. इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षी विद्या साधना.